जय हिंद दोस्तों, मैं इरफान आप सबका अपने YouTube चैनल MG एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि क्या होता है घातांक, क्या होता है पावर ऑफ इंडेक्स, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं बिल्कुल विधिवत, यानी कि बेसिक से अप लेवल तक जीरो से हीरो बनाने की हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में। यकीन मानिए कि ये वीडियो क्लास 6 से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वैल्यूएबल होने वाली है। जिन विद्यार्थियों ने घातांक के बारे में आज तक नहीं पढ़ा है, यकीन मानिए उनको तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा उनके लिए खास होने वाली है, उनको तो समझ में आने ही वाला है। और जिन भी स्टूडेंट ने इसके बारे में काफी पढ़ रखा है, वीडियोज को देख रखी है, वो भी कुछ ना कुछ नया इस वीडियो से सीख कर जाने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं घातांक क्या होता है। इससे पहले हम बता दें कि कक्षा 7 यानी क्लास 7 में इस टॉपिक को रखा गया है कि घातांक क्या होता है, तो हम पूरा इसको समझाने का प्रयास करेंगे। यकीन मानिए आप अगर जीरो हैं तो हीरो बनने के लिए तैयार हो जाइए इस वीडियो में घातांक टॉपिक पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि पावर ऑफ इंडेक्स क्या होता है। दोस्तों आप जरा सोच कर देखिए कि किसी भी चीज के बनने के लिए उसके पीछे एक लॉजिक होती है, एक जरूरत होती है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो किसी जिस चीज की जरूरत पड़ती है उस चीज की खोज भी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत पहले लोग पैदल यात्रा किया करते थे, फिर घोड़ों से किया करते थे, उसके बाद में साइकिल बनी, मोटरसाइकिल बनी, फोर व्हीलर बनी, ट्रेन बनी, फिर वायुयान बना। ठीक उसी तरह से मैथमेटिशियन को घातांक बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो चीजों को आप जानते हैं कि शॉर्ट आउट यानी कि इजी बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है, यानी कि घातांक जो है एक जब आवश्यकता पड़ी चीजों को काउंट करने के लिए तो वहां पर इसका खोज किया गया। एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि अगर आपसे कहा जाए एक ड्रम है और ड्रम में पानी भरा हुआ है या तेल भरा हुआ है और इसको तौलिए, तो आप आसानी से इसका मेजरमेंट यानी कि तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपसे कह दिया जाए कि ये पृथ्वी है, पूरा पृथ्वी का वजन आप बताइए, इसका आयतन बताइए, इसका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान, तो क्या आप ये आसान है इतना इसको नाप सकना? अगर आप नाप भी लेते हैं तो सोचिए कि उसमें कितनी संख्याएं आएंगी। तो आप यहां पर देखिए, जब यहां पर देखा गया कि मान लीजिए कि नापा गया द्रव्यमान पृथ्वी का, और नापने के बाद में यहां पर क्या किया गया दोस्तों कि 597 के बाद में 22 बार जीरो आया, कितनी बार, 22 बार जीरो लिखना पड़ा। तो जितना वजन है एक किलोग्राम में इतना पृथ्वी का भार है, तो अब 22 बार जीरो लिखना तो काफी ज्यादा टफ है। तो यहां पर इसको शॉर्ट आउट करने के लिए घातांक की खोज की गई। लेकिन इससे पहले आप एक चीज समझिए कि जब घातांक को बनाया गया, मैथमेटिशियन ने इसको इजी वे में बनाया, तो वहां पर एक लॉजिक और ये खड़ा होता है कि जो संख्याएं, उन संख्याओं में एक चीज अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी है, आपके सामने प्रश्न रख दिया जाए तो आप बिल्कुल अचंभित हो जाएंगे और बता नहीं सकते कि कौन सी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। लेकिन वहीं आपसे अगर कह दिया जाए कि सबसे छोटी कौन सी होगी, तो अगर आपने डेफिनेशन पढ़ा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एक होगी। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि प्राकृतिक संख्या आखिर कहते किसे हैं? तो आप समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या यानी किसी भी वस्तु को गिनने के लिए, किसी भी चीज को गिनने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई टीचर अपने कोई भी टीचर कहता है किसी स्टूडेंट से कि जाकर एक क्लास 7th क्लास में गिनकर आओ कितने बच्चे आ जाए हैं, तो उस बच्चे का जवाब टीचर को क्या क्या हो सकता है? या तो वो जवाब दे सकता है कि एक आए हैं, दो आए हैं, 10 आए हैं, 15 आए हैं, 100 आए हैं, 200 आए हैं, तो इस प्रकार से जवाब हो सकता है। क्या वो ये जवाब दे सकता है कि -2 बच्चे आए हैं या -3 बच्चे आए हैं या फिर 0 बच्चे आए हैं? नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बच्चे नहीं आए तो कोई बच्चे नहीं आए, लेकिन माइनस का कोई सवाल नहीं खड़ा होता। तो यहां पर याद रखिएगा जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं हैं यानी कि एक से लेकर जितनी संख्याएं होंगी जीरो को छोड़कर, वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। बाद में जीरो की खोज हुई तो उसको जोड़ा गया। तो यहां पर हम समझते हैं
कि अगर यहां पर आपसे कह दिया गया कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, तो यहां पर आप लिखना शुरू कर देंगे 5972693 4 5, 1 करोड़ तक संख्याएं, यानी कि अनंत तक लिख सकते हैं। जब मतलब अपने घर से लिखना शुरू कीजिए और आसमान तक लिखते चले जाइए, यानी कि संख्याएं बढ़ाते चले जाइए। तो क्या आप उन्हें गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। जब आप गिनना शुरू करेंगे तो आप पहुंचेंगे करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, उसके बाद में आप रुक जाएंगे, क्योंकि उसके आगे गिन सकते ही नहीं, उसके आगे कोई ऐसा पैमाना यानी कि गिनने का बनाया ही नहीं है। तो गणितज्ञों ने सोचा कि इतनी बड़ी संख्या को हम कैसे गिन सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो उन्होंने फिर खोजना शुरू किया, इस पर मंथन करना शुरू किया, तो एक रास्ता निकाला कि अगर जब पृथ्वी का द्रव्यमान हमने नापा तो 597 के बाद में 22 बार जीरो आया, कितनी बार? 22 बार जीरो आया। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि 597 × 10^22 कितना ही जीरो है? यानी कि अगर एक के बाद में कोई संख्या लिखनी है, उसके बाद में आपको 100,000 लगानी है, तो आप अपने घर से लिखना शुरू करेंगे एक के बाद जीरो, और घर के बाहर, गांव से बाहर आप पहुंचने लगेंगे तो ये जीरो जाकर खत्म होगा। लेकिन गणितज्ञों ने क्या बोला कि अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको एक के बाद में 100,000 लिखने की क्या जरूरत है, उसको 10 लिखो और इसकी पावर कर दो 1,00,000, यानी कि 1,00,000। या ऐसे भी लिख सकते हो कि 1,00,000 क्या होता है, 1,00,000 में 5 जीरो आपने लगा दिया, 10^1,00,000, तो ये आपका हो गया। तो ये इतना ज़्यादा, जब इसकी खोज नहीं हुई थी, इसके बारे में सोच रहे थे, तब कितना ज़्यादा टफ रहा होगा, आप सोच सकते हैं। अब देखिए ये कितना इजी हो गया, जो आप लिखना शुरू किए थे अपने घर से और अपने गांव से बाहर निकल गए थे तब जाकर 100,000 ख़त्म हुआ। तो यहाँ पर देखिए हम सिर्फ बोर्ड में एक ही वर्ड में लिख कर इसको ख़त्म कर दिया। तो ये है घातांक, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया इसका बैकग्राउंड क्या है। अब आइए समझते हैं कि आपके किताब में ये सवाल कैसे आते हैं और क्या क्या इसमें पॉइंट्स को आपको समझना है। मान लीजिए कि एक संख्या है, आपको हमने लिख दिया एक के बाद 5 जीरो, यानी कि 100,000। अब 100,000 को हम अगर लिखना चाहें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 10^5, कितनी? 5 जीरो, तो 5 बार 10^5। अब इसको हम देखिए क्या क्या बोलेंगे, तो इनमें देखिएगा, अगर ये लिखा है 10^5, इसको पढ़ेंगे तो जो 10 इसमें है इसको हम आधार कहेंगे। क्या कहेंगे? ये 10 जो है इसको आधार कहेंगे, और 5 जो है इसको घातांक कहेंगे या घात कहेंगे, चाहे घातांक कहें या घात कहें, दोनों एक ही है। अब देखिएगा ये जो 10^5 है, यानी कि 10^5 बराबर 100,000 जो है ये आपका, ये 10^5 इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे घातीय संकेतन रूप। क्या बोलेंगे? कि 10^5 अगर लिखा है तो इसको हम बोलेंगे घातीय संकेतन रूप। और दूसरा, ये जो 100,000 है ये क्या है? ये है आपका मान, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू आपकी कितनी है इसको हम मान कहेंगे, जो 100,000 है। और यहाँ पर जो 5 है वो घात है या घातांक है, यानी कि इसको इंग्लिश में पावर ऑफ इंडेक्स भी कहते हैं। और ये आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी कि घातांकीय रूप है या घातांकीय संकेतन, ऐसा कह सकते हैं। अब देखिएगा इसको और कैसे लिख सकते हैं, आपने समझ लिया घात क्या है, मान क्या है, आधार क्या है। अब गुणा रूप समझिए, गुणा रूप क्या है कि 10^5 का मतलब है कि 10 को 5 बार गुणा किया गया। तो 10 को जब हमने 5 बार गुणा किया तब हमने इसको क्या कहा कि ये गुणा रूप है, तो इसको हम बोलेंगे गुणा रूप। अब आइए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स और समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई संख्या है 2 और 2 की पावर हमने लिख दी 5, तो 2 की पावर 5 का मतलब इसको 2×2×2×2, यानी कि 2 का गुणा कितने बार? 5 बार, तो ये गुणा रूप हो गया। और 2^5 5 बार गुणा करेंगे तो ये कितना है? 32, 2×2=4, 8×2=16, 32, तो 32 क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। और 2^5 पूरा क्या हो जाएगा? घातांकीय संकेतन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये जो 2 होगा इसको हम बेस बोलेंगे या आधार बोलेंगे, और जो 5 होगा ये घात हो जाएगा।
तो आशा करता हूं कि ये आपको पॉइंट इसमें बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे क्या होता है। अब देखिएगा कि जब आपने इतना समझ लिया तो इतना समझने के बाद में आपके पास और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो मेन जो चीजें हैं वो है घात। घात क्या है? तो यहाँ पर क्या घात आपकी जीरो नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती या प्लस? तो आपकी घात जो है दशमलव में भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप पहले एक चीज समझिए कि अगर मान लीजिए कोई संख्या तीन है और इसकी घात दो है और इधर एक संख्या है इसकी घात तीन है, तो यहाँ पर ये कितना, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? तीन तिरिका नौ, ये हो जाएगा सत्ताईस। तो यहाँ पर जो दो घात होती है और तीन घात होती है तो इसको मैथमेटिशियन ने इसका एक स्टैंडर्ड यानी कि विशिष्ट नाम रखा है। विशिष्ट नाम होता है, अगर किसी भी संख्या की पावर यानी घात दो है तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर, यानी कि थ्री स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं इसको, तीन की घात दो भी पढ़ सकते हैं और थ्री स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो दो घात होगी हम उसको स्क्वायर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। और जो तीन घात होगा इसको तीन की पावर तीन पढ़ेंगे और थ्री क्यूब पढ़ेंगे, यानी कि जो तीन घात होगी उसको हम क्या नाम देते हैं? क्यूब। अगर हिंदी में इसे कहेंगे तो तीन का वर्ग बोलेंगे और अगर इसको हिंदी में बोलेंगे तो इसको कहेंगे तीन का घन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि पांच का घन क्या होगा तो इसका मतलब आप समझेंगे कि पांच की पावर तीन यानी कि 125। और अगर आपसे पूछा जाए कि पांच का स्क्वायर क्या होगा तो आप समझेंगे कि पांच की पावर दो। ये विशिष्ट नाम है, बाकी जितनी भी घातें होंगी उनको उसके नाम से पुकारेंगे। जैसे अगर पांच की घात पांच है तो पांच की घात पांच पढ़ेंगे या पांच की पावर फाइव पढ़ेंगे। तो ये आपका दो हो गया विशिष्ट नाम। अब मैं कुछ पॉइंट्स और समझते हैं कि यहां पर आपने पढ़ा होगा कि एक होता है सम संख्या, एक होती है विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? जो दो से कट जाए, और विषम संख्या वो होती है जो दो से ना कटे। तो दो से जो कट जाती है संख्या वो दो चार छ आठ दस ये सीरीज बनती है, और जो दो से नहीं कटती है वो एक तीन पांच सात नौ इस प्रकार की सीरीज बनती है। तो जहां पर सम होगा वो दो से कटेगा और जहां पर विषम होगा वो दो से नहीं कटेगा। अब यहां पर हम जो समझने वाले हैं वो ये है कि अगर कोई भी संख्या है और उसकी पावर सम है लेकिन उसका बेस जो है माइनस में होना चाहिए। बेस क्या होना चाहिए? माइनस में। बेस माइनस का मतलब जो आधार होगा, आधार का मतलब अगर 10 की पावर पांच है, माइनस 10 की पावर पांच, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आधार है वो माइनस में अगर है, अगर माइनस में आधार है तब यहां पर क्या रूल होगा? अगर पावर जो है विषम होगी, विषम का मतलब एक तीन पांच, तो अगर विषम है तो माइनस दस गुणे माइनस दस गुणे माइनस दस। मान लीजिए कि यहां पर तीन घात है तो यहां पर क्या होगा कि दस धाम सौ धाम एक हजार, ये तो आपकी वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी। लेकिन बात यह कि माइनस आएगा कि प्लस, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस माइनस 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 एक हजार है। अब देखिएगा यहां पर आप देख रहे हैं कि घात कितनी है? तीन। अगर यहीं पर घात ये विषम ना होकर सम हो जाए, चार हो जाए, तो यहां पर एक बार माइनस टेन और गुणा करेंगे तो यहां पर देखिए एक जीरो और बढ़ जाएगा। लेकिन माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि प्लस हो जाएगा। तो अब यहां पर एक चीज समझने का प्रयास कीजिए कि जब भी बेस जो माइनस होगा और उसकी जो पावर यानी कि घात होगी अगर सम है यानी कि दो चार छ आठ है, तो यहां पर अगर मान लीजिए कि यहां पर माइनस टू की पावर मान लीजिए कि सौ है, तो आप सौ चेक करेंगे कि सौ क्या है? एक सम संख्या है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो हमने ये बताया कि अगर सम है तो उसकी वैल्यू प्लस आएगी, अगर विषम है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? माइनस आएगी। लेकिन कब?
जब उसका बेस माइनस हो, यानी कि बेस का मतलब उसका आधार माइनस हो। तो यहां पर 100 अगर क्या है, यहां पर 100 चूंकि एक सम संख्या है इसलिए यहां पर जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। यहीं पर अगर इसको हम क्या कर दें 99 कर दें तो यहां पर वैल्यू क्या होगी, क्योंकि 99 बार गुणा करना तो टफ है, लेकिन यहां पर प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो धनात्मक आएगी या ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि यहां पर वैल्यू क्या होगी, माइनस। क्यों? क्योंकि अगर पावर विषम होगी, अगर पावर विषम है तब तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो ऋणात्मक आएगी, अगर आपकी पावर जो सम है तब तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, धनात्मक आएगी। इसका मतलब अगर मान लीजिए कि कोई ए है, यानी कोई संख्या ए है, ए और ये बेस माइनस इसका ए है और इसकी पावर अगर सम है तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव आ जाएगी। यही अगर कोई संख्या ए है माइनस ए है यानी कि कोई, और इसकी पावर विषम है, विषम का मतलब ऑड, सम का मतलब इवन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमेशा उसकी वैल्यू माइनस आएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यहाँ पर जो हमने खातांक के बारे में आपको बताया, जो पॉइंट्स बताए, ये बेहद आसान है और बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, लेकिन जो आने वाला हमारा टॉपिक है, आगे अगले आने वाली वीडियो है, उसमें हम ये बताएंगे कि अगर किसी भी पावर, किसी भी संख्या की पावर जीरो है, चाहे एक की पावर जीरो हो, चार की पावर जीरो हो, छः की पावर जीरो हो, तो इसकी वैल्यू हमेशा एक होती है, लेकिन हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है। और दूसरा आपको बताएंगे कि काफी लोग इसमें कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं कि अगर हम सर जीरो को जीरो से भाग करते हैं तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो तो हमारी इस पर आने ही वाली है। तो अगर हम, और दूसरा दोस्तों, जीरो की पावर माइनस अगर एन है या फिर माइनस सिक्स है तो यहां पर क्या आने वाला है, यहां पर क्या आने वाला है, तो इन सब पर हम बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करके आपको वीडियो को बनाने वाले हैं, तो इस पर हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको पता है कि जीरो की पावर माइनस सिक्स क्या है तो आप कमेंट माध्यम से जरूर बताइए, और दोस्तों अपनी राय देना ना भूलें कि ये वीडियो कैसी रही। धन्यवाद।